Republic TV gets you this special report from Srinagar of how, post the abrogation of Article 370, life has changed. Stats will tell you a story of how things have changed on the ground. You speak to the people of Kashmir, lesser terror killings, lesser number of civilians who've been killed, lesser number of forces who have been killed, number of terror attacks also down. Here is a report that my colleague sent from Kashmir on how a stone pelter feels there is change on the ground. Who was once a stone pelter, now on the path of reformation. कि आने वाली पीढ़ी ही कश्मीर का भविष्य तय करेगी, लेकिन कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों को न जाने कब से दहशत की आग में, जहन्नुम की आग में किस तरह से झोंका जा रहा है सिर्फ जिहाद के नाम पर। यह सब कुछ बदला है 370 हटने के बाद, लेकिन एक ऐसा ही 21 साल का जुबैर मेरे साथ है जिन्हें किस तरह से पत्थरबाजी की तरफ आगे बढ़ाया गया, जिन्हें जिहाद की आग में झोंकने की कोशिश हुई। एक गिरफ्तारी ने जुबैर की जिंदगी बदल दी। मेरे साथ इस वक्त जुबैर हैं। जुबैर, जिहाद का रास्ता, आप अभी 21 साल के हैं, किस उम्र में आपको लगा कि आपने जिहाद की तरफ जाना, क्यों जाना है? मैम, ये 2018 की बात है, तब मतलब कि मैं छोटा था, बहुत छोटा था, एज भी बराबर नहीं थी, अदलता तो जिहाद मतलब कि उस टाइम 2016 जब बुरहान मानी मर गया था 2016 में, तब से मतलब दो सालों में मतलब कि पता नहीं भड़क रहे थे कि कोई भी कुछ बोलता था उस तरफ जा रहे थे, मतलब कि बहुत गलत काम कर रहे थे, स्टोन पड़िंग या जिसको जहाद बोलते हैं, कि जो बिल्कुल ही गलत रास्ता है। 2018 की बात है, तो उस टाइम में मतलब ये कर रहा था, ये गलत काम कर रहा था। क्यों आपने क्यों सोचा जिहाद करना है? क्या क्या सुनकर या क्या चीज़ें देख कर आपको ये जिहाद की तरफ जाने की बात? मतलब मैम कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं है, खाली मतलब कि कोई भड़का रहा था तो हम जा रहे थे। इसका कोई मकसद ही नहीं था कि जब हम पथराव करने या स्टोन पेल्टिंग करने जा रहे थे तो कोई मतलब कि मकसद ही नहीं था कि आप जाते थे। हाँ बिल्कुल जाते थे। क्या सुनकर क्या कहते थे कि आप लोग बहकते थे? यार मैम ये कहते थे कि खाली ये जिहाद बोलते थे, ये जिहाद है जो मतलब कि सबसे बड़ा, मतलब इस पे कोई जिहाद नहीं हो सकता है, कोई मतलब बंदूक उठाता है टेररिस्ट बनता है, ऐसे कोई ये कोई जिहाद नहीं होता है, मतलब गलत ये कंसेप्ट जो होता है, बहुत गलत कंसेप्ट होता है। ये ऐसी ऐसी क्या बातें होती थी, क्या बातें आपने कहा, कौन लोग बोलते कि जिसको सुनकर आपको लगा कि पत्थर उठा लो, पत्थरबाजी करो? हाँ मैं मतलब उस टाइम मतलब कि हर गांव में कभी कभी कोई रैली होती है जिसमें बड़े बड़े हुर्रियत के आते थे, वो मतलब कि जहाँ जब वो मतलब वहाँ पर बयान करते थे वो भड़का रहे थे, सबसे मतलब बड़ा वजह वही है कि वो भड़का रहे थे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि जो जिनको समझ आता था वो नहीं जाते थे, लेकिन जो हम सबसे मतलब उसमें ज़्यादा अगर 90% छोटे बच्चे थे, मतलब कि किस उम्र के? मतलब 15 साल, 14 साल, 10 साल से 15 साल के मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल से 15 साल तक। हाँ, और उनको बोलते थे कि यही रास्ता है, पत्थरबाजी करो। क्या क्या कहते थे? यही पत्थरबाजी करो कि मतलब जन्नत मिलेगी, वो मिलेगी, जिहाद मतलब इसमें जिहाद हो सकता है, आज़ादी मिलेगी इससे, यही बोलते थे मैम। हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने की बात? हाँ, हिंदुस्तान के मतलब भड़काने के लिए बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान क्या देता है, हमें अपना पाकिस्तान के साथ जाना है, आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ रहना है, लेकिन पाकिस्तान क्या दे सकता है, हिंदुस्तान मतलब सब कुछ मतलब अपना देश है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है। आपने पत्थर उठाया, आप पत्थरबाजी कर रहे थे? हाँ हाँ कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। किस पर? सेना पर? हाँ हाँ, सीआरपीएफ, पुलिस, हाँ कर रहे थे। फिर आपको पकड़ लिया गया, आपकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, मेरी गिरफ्तारी हुई 2018 में। फिर क्या हुआ? फिर मतलब कि जब मैं जेल में रहा, मैं रहा 3 महीने 10 दिन, मतलब कि पूरा बदलाव आ गया, पूरा समझ आ गया, मतलब कि दिमाग भी बराबर आ गया कि क्या कर रहे थे, जब मतलब पीछे मतलब क्या कर रहे थे, कौन सा एक्शन कर रहे थे याद आ रहा था, तो फिर दिमाग ठिकाने पे आ गए कि यार मैं बहुत गलत कर रहा था, समझ आ गया कि फिर संदीप साहब जो आईपीएस है, माजिद साहब है, डीएसपी माजिद साहब, इनने मतलब अगर आज ये नहीं होते उस टाइम, आज मैं जिंदा नहीं होता, आज मैं मर गया होता अगर संदीप साहब और माजिद साहब। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको लगता है कि वो जिहाद के रास्ते से जो बच्चे जा रहे थे उन सबका यही हश्र हो रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतलब कि
बहुत लड़कों को समझाया संदीप साहब ने या माजी साहब ने, मतलब जिसको समझ आना था उनने मतलब उसकी उनकी बात रख ली, जिनको नहीं पकड़ना था तो आज मतलब मेरे हिसाब से कम 5-10 उनमें से भी जो ठुक गए थे, जिसने बात रख ली तो आज मैं कहता हूँ मतलब कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मुझे अच्छे रास्ते पर लाया है। जो आपके साथ और बच्चे रहे हों जो इनको सुनकर जिहाद के रास्ते पर या फिर जो जैसा आप कह रहे हैं कि ये गलत रास्ते पर चले गए पत्थरबाजी करे, उनका क्या हुआ? आधे तो सुधर गए, आधे ठुक गए थे, मर गए थे आधे आधे, मतलब जो मैं कह रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत बदलाव लाया है अपनी ज़िंदगी में। अब की ज़िंदगी कैसी है जुबैर? अब तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि कोई मतलब खुश है अपने घर में, माँ बाप के साथ बहुत खुश है, वो राज़ी है तो खुदा भी राज़ी है, वो नहीं राज़ी है तो खुदा कहाँ से राज़ी हो जाएगी उनको छोड़ कर, मतलब कि उनने इतने बड़े किए हैं, आज तो उनको खिदमत की ज़रूरत है जो हम नहीं करते हैं, आज के बच्चे नहीं करते हैं, फिर जब वो नाराज़ी नहीं होता खुदा कहाँ से राज़ी हो जाएगा फिर? तो बात है मैम, मतलब उनने इतने बड़े किए, पैसे खर्च किए हम पे, पढ़ाया लिखाया, आज तो हम भी उनके लिए कुछ करने चाहिए, या तो ये नहीं कि वो आज बूढ़े हैं उनको हमारी ज़रूरत है, हम चले जाएँगे कहीं और गलत रास्ते पर, फिर खुदा के पास भी हिसाब देना है इस बात का। तो पत्थरबाजी आप कर रहे थे और पत्थरबाजी के बाद क्या बंदूक भी उठाने वाले थे? जी मैम, बंदूक उठाने वाले थे? बंदूक उठाने वाला था, मतलब जिसको हम एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव, एक, एक, एक्टिव होना। जी मैम, 1 मार्च मेरा एक्टिव का डेट था, तो 18 फरवरी को मुझे पुलिस ने उठाया था। मतलब पत्थरबाजी करना और उसके बाद एक्टिव होना, मतलब बंदूक उठा लेना और फिर जिहाद, मतलब मर जाना कहीं पे। अच्छा ये बताइए कि कुछ बदला है कश्मीर में, आपको लगता है कि ऐसा हो, जैसे जो बातें कह रही थी कि 370 हटेगा तो यहाँ पर बहुत कुछ कश्मीर में खराब हालात हो जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा मैम, मतलब 370 हटने के बाद बिल्कुल भी वैसा ही है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ना हो सकती है प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है मैम, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है। अच्छा ये अब हम देखते हैं कि 370 से पहले तो कई बार पत्थरबाजी की तस्वीरें आती थी, आपने खुद कहा मैं पत्थर थाम चुका था, अब नहीं होता है ये, अब नहीं दिखते हैं लोग, बच्चे क्यों हैं? मैम अब समझ गए बच्चे, समझ गए मतलब समझदार हो गए, अब हर कोई समझदार हो गया है अब कि मैं क्या कर रहा था, अब जो मतलब ये उस टाइम जब बुरहान वानी ठुक गया था कम से कम 1 साल तक ये हालात खराब रही है, फिर 1 साल के बाद लोगों ने हर किसी ने धीरे धीरे समझते थे कि ये गलत बात है, हमने ये सब किया, दुकान बंद करे मैम, कोई होता है जो दुकान पे ही मतलब कमाता है वही खा सकता है, दुकान बंद थी बहुत, मतलब फिर जिनको शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता था उस टाइम जब सब बंद कुछ ना, फिर हर किसी को दिमाग में आया कि हम गलत कर रहे हैं 1 साल तक, तब से आज तक कहीं पर ये ऐसी हालत नहीं हो रही है। वो पत्थर थमाया गया तो उस समय आतंक का रास्ता लेने के लिए भी बच्चों को कहते थे कि यहाँ अगर करना है तो आतंक का रास्ता अपनाओ या ट्रेनिंग लो या इस तरह से, जैसा आपने कहा पाकिस्तान के साथ जाना है, इस तरह की बातें करते थे? यही बोल रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे कि कोई ट्रेनिंग करनी है, नहीं पत्थर उठा के सीधे निकलते थे, कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करनी होती थी बस यही। और आज़ादी की बात क्या, जो लोग बार बार कहते रहते थे कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए या फिर कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, इन सब लोगों को आज क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कश्मीर मतलब हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान अपने, इससे अच्छा मतलब इससे बड़ा आज़ादी क्या हो सकती है।